सुप्रभात सभी साथियों को, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:40 से और हमारे ब्लॉग में जुड़े हैं अंशु भाई, पंकू आते और हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि आज लास्ट नवरात्र है ना, तो गांव में भंडारा रखा होता है और वर्मा फैमिली की ड्यूटी थी खाना बनाने के लिए पापा सुबह चले गए। अब हमारे को लंच टाइम हो गया ना, तो सर्व भी करना पड़ेगा, इसलिए हम जा रहे हैं अब सर्व करने खाना। और पीछे से आ रहे हैं दीदी और पंकू के मम्मा और बड़े मम्मा और एक भाभी है। हाँ जी आपको ऊपर मिलेंगे हम भाभी बोल रही है हमारे को भी ले, बट हम अभी थोड़े जल्दी में क्योंकि इन्होंने खाना है और हमारे को इनको सर्व करना है, तो सर्व करने वाले पहले पहुंचे थे। क्यों आते मार देंगे आपको ये कायद फैमिली का ना, कायद फैमिली वालों को नहीं करना। कोई बात नहीं भाई, खा लेना, आप आते तो कर देंगे, मेरी मदद क्यों पहले आते तो हाँ ये बेशरम भाई, गांव में गांव वालों को खाना नहीं देना तू, चिड़ी बंदा अंश भाई। ठीक है, अब आप सुपर गांव में मिलेंगे। गांव जाते जाते मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे हम गांव में रहते हैं तो कई खेत हमारे जंगलों के साथ होते हैं, तो वहाँ पे बंदर खेत में ना जाए, उन उससे बचाने के लिए लगाई जाती है ये वाली नेट्स। आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉक किया ये खेत, ताकि बंदर एंटर ना हो पाए अंदर और हमारी फसल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। पहले से भी इस बारी बहुत कम होने की आशंका, क्योंकि एक तो मौसम भी पिछले कुछ दिनों से ख़राब चला है ना, बट आज तो काफ़ी सुहाना मौसम और काफ़ी अच्छी धूप लगी है, ऐसी धूप लगे तब तो बेस्ट है। और ये देखो गांव थोड़ा रहा, आप अनुमान लगा सकते हैं अंशु भाई कितने थक चुके हैं, कमर पे दोनों हाथ आ चुके हैं, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। समय हो रहा है 2 बज रहे और हमने भंडारे में सबको खाना सर्व कर लिया है। मैं दे रहा था भाई छोले और पानी दिया है मैंने, अंकित भाई साहिल भैया थे हमारे साथ और सर्व करने वाले, अब तो लास्ट बैच बचा है, आज भंडारा कंप्लीट। अंकित भाई ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि ये मेरे से भी पहले आ चुका है। हेलो गाइस, क्या बनाया आपने सुबह से? हेलो गाइस, कैसे? और मैं बता रहा था कि अंकित ने सबसे ज़्यादा काम किया, इस बंदे ने भाई सुबह कितनी पूरियाँ बनाई? मैंने 350 अकेले बनाई, 350 पूरियाँ। उसके बाद सकते हैं गाइस आप सुबह से चावल दे रहा है। एज बता दे अपने भाई, तू मेरी एज है 17। देखा तब बोल रहा हूँ इसको हमारी, अरे डाल दो पहले ब्लॉगिंग करनी। ओए यार देखो ये प्रॉब्लम होती है गाँव में ब्लॉगिंग करते बाद, खाना देना इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग हम बाद में बनाएंगे, बस अभी काम कर लेते हैं पहले कम्प्लीट। देख सकते हैं गाइस, तभी बता रहा हूँ मैं आपको अंकित ने आज सुबह से सबसे ज़्यादा मेहनत की है, इसने पूरी भी बनाई कितनी तो बता रहा था यार ये। और भंडारा खाते खाते हमारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, आंटियाँ हमारे गांव से ही मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो आंटी बोल रहे थे कि हमें ब्लॉग में ले लें, देखते हैं मेरा ब्लॉग। बिल्कुल उसमें हाँ ये देखते सब्सक्राइब कर, सक्षम के मम्मा सक्षम के फोन में तो सब्सक्राइब है, आपके फोन में भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने बात ही मोटिवेट करने वाला बंदा है भाई, बड़े हो गए कोशिश करते रहे। कितने तेरे फॉलोवर? मेरे सब्सक्राइबर 368 हो गए, आज हमारी पिछली वीडियो के चलते हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, अब 368 हो गए। आसमान चकने की ड्यूटी लगी, बिजी देख सकते हैं आप, जब हम थोड़ा भी ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर नाकाम हो रहे, क्यों? क्योंकि बच्चे के पास आ रहे होता है ना कि बच्चे सुन लेंगे, तो ठीक है अभी आसमान चक लेते हैं, अंदर रखना होगा। थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर में आज अंकित भाई और मैंने बहुत काम किया, उसकी स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। हाँ जी हाँ जी, चक रहे हैं इसको, ये सब चकना है, अब हमें कहाँ करना है पैक, ठीक है ये बाहर पैक कराना है। और अभी हमने अपने कार्य को समाप्त कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जूर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गांव आए हैं तो जूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जूल की खूबसूरती भी तो आपको दिखाएंगे ना यार। इवन पार शायद क्रिकेट खेल रहे आज, आज तो सारे होंगे, बहुत बहुत सारे, उम्मीद से ज़्यादा बंदे तो नहीं हैं, पर जितने बंदे हैं उतने होने चाहिए, ज़्यादा बंदों में फिर बारी नहीं आती ना यार, इसलिए आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ राहुल भाई भी जुड़े हैं, भंडारे में नज़र नहीं आया मेरे फैंस, इसके फैंस कुछ नहीं, इसकी क्लास ली जाएगी अब। और आके आप देख सकते हैं जूरल की खूबसूरती, तो आप सच बता रहा हूँ भाई काफ़ी खूबसूरत ये पिच, या प्रांगण ही बोल सकते हैं इसको। वैसे पंकु आते थे वहाँ से पहले पहुँचे हुए, हाँ मुझे काम कर रहा था भाई, मैं आप सबने मुझे बहुत याद किया। राहुल भाई सी को ही बोलने वाला बंदा यही है वो,
आगे ठीक है, एक दो बॉल नहीं डालते, पंकू आते आप भी बॉल डालते रे किसी बात पे। वाह अच्छा बॉलर ऊपर बंदे खेलने आओ नीचे बंदे बैठे अभी, राहुल भाई डालो फिर बॉल आते यार। पंकु भाई को ऑफर मिल चुका है एक छक्के का 100 रुपए, ओपन बाउंड्री भाई कहीं भी मार सकते हैं। शुभम भैया 100 रुपए दे रहे पंकु को छक्के मारने का। मैं देखता हूँ बॉलर कौन है, बॉलर हसीम भाई और मैं। नहीं नहीं भाई अभी यार खेलने दे भाई, प्लीज यार प्लीज यार अभी भाई अभी मानता ही नहीं है ये। ओए यार अब पिघले तो बच्चे चौका मारने पे 100 रुपए, क्या आप भी चौका मार पाएंगे? अब भी भाई क्या था ये? ठीक है हट जा जा तू। राहुल भाई पंकू आते को ऑफर है, पंकू को ऑफर है यार। बॉलर शिवम है, बॉलिंग शिवम कर रहा ना भाई, ये देख सकते हैं। अब शुभम भैया ने रखी है बैट, पंकु आते छक्का मारेंगे तो 100 रुपए। शिवम भाई ठीक है बढ़िया बॉल डालना आप। ओए यार ओ बॉल ला लेता हूँ भाई। अपी भाई बहुत शोर मचा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है ये। बाकी हम मैं आपको बताता हूँ मैट पे खेलते हैं, ऐसे प्रॉपर मैट डाली जाती है और मैट। पंकु आते कसरे और राहुल भाई पहले इन्होंने नहीं बिछाई थी, यहीं रखी होती है। वैसे आपको शायद हमने जो हमारे पीछे के ब्लॉग है उसमें दिखाई थी एक दिन जब हम सुबह आए हैं जुल एक्सप्लोर करने भाई। ये अपी भाई ने कुछ तो बोलना है। हाँ तो पीछे के ब्लॉग है, पिछले वाले ब्लॉग है। पंकु आते को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम क्योंकि पंकु आते कर रहे काम अच्छे से, कस लिया इसने वॉलीबॉल, अभी बैट पकड़ा इसने खेलने वॉलीबॉल। बाकी आपको क्राउड दिखा देता हूँ मैं एक बार यार, इससे अच्छा ग्राउंड अगर आपने कहीं देखा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप देख सकते हैं घास भी बिल्कुल है भाई, फील आ जाते हैं यहाँ खेल के यार, ऐसा नहीं है अपने लिए स्टेडियम से कम नहीं है। और ऐसा स्टेडियम हर गांव में होना चाहिए ताकि राहुल जैसे बच्चे रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सके और इंस्टाग्राम पर पोस्ट स्टोरियाँ कम डाल सके। ठीक यार वर्मा दो गेंदों पर 2 विकेट ले लिए, देखते हैं क्या हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। आर्यन वर्मा सचिन रमेश तेंदुलकर के लिए दो गेंद और लेते बस ये कुड़ रोड नावा हैट्रिक चांस पे। अच्छा ये तो फ्री हिट है यार। आर्यन अपनी जिंदगी की पहली हैट्रिक से चूकते हुए, हाँ तो फ्री हिट जो है वो हैट्रिक कहाँ मिली फ्री हिट में। वाइड बॉल वो बॉल है ना, लीगल डिलीवरी नहीं हुई ना तो जो भी तीसरी हुई तो हैट्रिक कंटिन्यू होनी थी कि नहीं होनी थी? नहीं होनी थी, 9 में थोड़ी 9 हुई 9 में फिर वो विकेट नहीं मिलेगी ना, लीगल डिलीवरी भी हो जाएंगे। कितने रन दिए अभी आर्यन ने अभी तक? आर्यन 4 गेंदे 4 रन 2 विकेट ले चुके हैं। अरे सच ओहो आर्यन का शानदार ओवर, 1 ओवर में 4 रन 2 विकेट। डिनर करके मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, टाइम हो गया है व्लॉग को एंड करने का। और आज का व्लॉग आपको मजेदार लगा हो
यार नहीं भी लगा हो इसकी मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता, बट मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया। क्यों? क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद हमने क्रिकेट खेला, और सच बता रहा हूँ भाई मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे, मतलब ये नहीं सोचना कि बंदा अपनी तारीफ करे, जेन्युइन सी बात। सही में अगर कोई जो खेलने आया था वो ये ब्लॉग देख रहा होगा तो वो कमेंट करके आपको ये बताएगा। ऐसे ठीक बॉलिंग की यार मैंने, लास्ट में तो मुझे रन पड़े बट जितना मैंने सोचा था ना उससे अच्छी की, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद जब आप खेलते हो तो आप थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट मुझे आज ऐसा लगा कि मैं सही खेला और मैं सही खेला हूँ, इतना तो है। बाकी ठीक है, अगर कल भैया की जाड़ी डालनी है हमें, अगर वो जाड़ी हम कल नहीं डालेंगे तो हम पक्का कल भी आपको जुल में मिलेंगे क्रिकेट खेलते वाला, और पक्का जाएंगे कल तो, क्योंकि भाई जुल में क्रिकेट खेल के मज़ा आ जाता है। वैसा ग्राउंड होता है ना तो प्लेयर को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है खेलने की। बाकी ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप भी बताए दो कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।